आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऊन से बनाना वॉल हैंगिंग। इसमें ज़्यादा ऊन भी नहीं लगती है, 50 रुपये का खर्चा है इसमें, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ये ऊन से हमने किस तरीके से बनाया है, और वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपकी समझ में आएगा इसको कि इसमें क्या क्या सामान लगाया और कैसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा भाटी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऊन से बनाना वॉल हैंगिंग, जिसमें सामान की ज़रूरत होती है। ये जो ऊन ली है मैंने रानी कलर में, ये 100 ग्राम ऊन लग जाती है इसमें। आप चाहें तो पतली वाली भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसमें मोटी वाली ऊन ली है। और इसमें 50 ग्राम के करीब ये फ्लैट वाले मोती लग जाते हैं गोल्डन कलर में। और ये जो गत्ता होता है, आप कोई भी नॉर्मली गत्ता लें और उसको इस टाइप से कट कर लें। आप देख सकते हैं कि उसको गोल करके बीच से कट करना है सर्कल टाइप में। और इसमें फेबिकॉल एंड सीजर, इतने सामान की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम इसको कवर कर लेंगे। किस तरीके से करना है इसको कवर, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से पहले इसमें एक नॉट्स लगा देंगे। ये देखिए, इसको हम इधर से थोड़ा सा फेबिकॉल से चिपका देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप इसमें फेबिकॉल को भी यूज कर सकते हो। और ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद में, सिंपल है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 50 रुपीज़ में ये बन जाता है। ये देखिए इधर से, और इसको गत्ते को जो हमने लिया है सर्कल टाइप में, इसको पूरे को कवर करना है इसी तरीके से, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए ऊन से। ये जो गत्ता है हमारा वाइट वाइट, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इसको ऊन से पूरे को कवर करके इसे मैं रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसी टाइप से इसको कवर करना है। और इसमें एक तो मैंने छोटा कट किया है और एक थोड़ा इससे बड़ा कट करना है। आप चाहें तो इसे 3 का भी बना सकते हो, 1 का भी बना सकते हो, 2 का भी, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है वाल पे लगाने पे। जैसे कि मैंने आपको मैक्रेम के भी वाल हैंगिंग बता रखे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर ये लगता है। और ये सिंपल भी है, अगर आपको नॉट्स लगाने में किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि ये आपका कैसा बना। तो ये देखिए, अब इसको पूरे को कवर करके हम रेडी करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा कवर करके और रेडी कर लिया है। इधर मैंने इसको फेविकॉल से चिपका दिया है। अब ये देखिए, इस पर हम डिजाइन बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा गैप देके, और इस पर इस तरीके से डिजाइन देना है। मैं चाहती तो इसे ट्यून से भी डाल सकती थी, लेकिन फिर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रहे हैं हम इसको। ये देखिए, पूरे को इसी तरीके से कवर करना है इसे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है इसको डिजाइन बनाना है इसके ऊपर इस तरीके से। अब ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि हमने इसको गत्ते से बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से करना है इसको। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहा है अब ये कवर करने के बाद में पूरा। ये देखिए, और इधर से हम इसको कट करके और फेविकॉल से चिपका देंगे। अभी देखिए, वो मैंने दोनों बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, ये देखिए, अब मैंने वो कंप्लीट बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें पॉम्पम बनाएंगे, वो छोटे वाले जो पेंसिल पे पॉम्पम बनते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं एक में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से बनते हैं वो पॉम्पम। और इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, धीरे से इसको इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, अरे इसको हम इसमें एक नॉट्स लगा देंगे इधर टाइट से।
ये देखिए, और इसको हम इधर से अब कट कर देंगे अभी। देखिए ये पॉम्पम उनके तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक दिखाया है बनाना, इसी तरीके से मैंने ये बहुत सारे बना लिए। और जो ये फ्लैट मोती थे, ये जो गोल्डन कलर के, इसको हम इस पर चिपकाएंगे। किस तरीके से चिपकाना है, सबसे पहले हम इसको एक को फेविकॉल रखेंगे इसके ऊपर, और इस तरीके से ये देखिए इनको पूरे को ऐसे एक के ऊपर फेविकॉल रखेंगे पहले इसके ऊपर, और फिर इस पे हम मोती लगाएंगे। ये देखिए ये ऐसे ही, जैसे मैंने ये दो को रेडी किया है, ऐसे ही मैं ये पूरे पॉम्पम को रेडी करके और इसे तैयार कर लूँगी। और आप उस फिर मैं आपको सारा सामान दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या रेडी किया है, और इसे बनाना बताऊंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब इसको हम इसमें ऐसे अटैच कर देंगे, फेविकॉल से चिपका देंगे। तो इधर फेविकॉल लगाएंगे हम इसमें, और इसको हम इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे, और इसे हम थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, और उसके बाद हमने जो पॉम्पम बनाया इसको हम इस पर लगाना बताएंगे आपको। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें फेविकॉल लगा के और इसको इधर से अटैच कर दिया है। ये दोनों सूख गए बिल्कुल, और अच्छे से सेट भी हो चुके हैं। अब इसमें देखिए मैंने फूंदने बनाए थे, और इस पर एक पॉम्पम लगाएंगे हम। और ये देखिए आप देख सकते हैं, बारीक वाले मोती हैं छोटे वाले, इसके अंदर मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया है इस टाइप से। अब इनको हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से फूंदनों के ऊपर एक एक पॉम्पम लगा देंगे हम, और टोटल मैंने ये 5 बनाए हैं। ये देखिए अब जो ये वाले हैं, ये मैंने पूरे इस पे मोती लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम इधर चिपकाएंगे इसमें, आप देख सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरीके से इस पे फेविकॉल लगाना है, और इसको चारों तरफ से पूरे को कवर कर देना है इसको चिपका के फ्लावर से। मैंने इस पे पूरे पे फ्लावर लगा के कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद में। और एक फ्लावर इसमें हम बीच में लगाएंगे, ये देखिए फेविकॉल लगा के इधर, और इसमें हम एक बीच में लगा देंगे, और इधर की साइड भी हम ऐसे ग्लू को डाल के, और इधर हम साथ के साथ इसमें फ्लावर लगाते हुए जाएंगे। आप चाहे तो इसमें ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फेविकॉल से भी अच्छे से सूख जाता है, अच्छे से सेट हो जाते हैं फ्लावर। अभी देखिए जैसे कि मैंने इसको पूरे को बना के कंप्लीट कर लिया है, अब इसको हम पीछे की तरफ इसमें इसको बांध देंगे। जैसे उसके हिसाब से सबसे पहले जो बीच वाला है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और जो साइड के हैं वो थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से इसमें डिजाइन से इसको बनाना है। ये देखिए इसको हम ये इस तरीके से आएगा इसमें। अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको पूरा बनाना, और मैंने इसके फूंदने भी थोड़े बड़े, जैसे छोटे फर्स्ट में, फिर थोड़े बड़े, फिर उससे एक बड़ा, टोटल मैंने 5 आपको बता दिए थे इसमें। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में ये, और मैंने इसको चारों तरफ से भी डेकोरेट कर दिया है, जैसे कि आप इतने कितना भी डेकोरेट कर सकते हो। और इधर से मैंने इसके टांगने के लिए भी थोड़ी सी इसमें ऊन का नॉट्स लगा दिया है ऊपर, और मैंने इसको टंगा दिया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद में, और इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें, 50 रुपीज़ का खर्चा है बस। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपका ये कैसा बना। तो देखिए मैंने सबसे अलग आपको आज मैक्रेम से अलग कुछ बनाना बताया है।
अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझने में फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।